So hello guys and welcome back to our channel. मैं हूँ सुरभिंदर गर्ल इन यूरोप और मैं हूँ दीपक. और आज हम लोग, क्योंकि आपने पुराने जो वीडियो है दीपक, जो तुमने बनाया था, तुम्हारे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो भी है उसके ऊपर, वो लोगों ने बहुत पसंद किया. थैंक यू वेरी मच आप लोगों को. मतलब ये जो है बहुत ही जेन्युइन वीडियो लगा, तो हमने सोचा कि हम आपके क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर करते हैं. तो मैं दीपक से जो भी रिलेटेबल क्वेश्चंस हैं वो मैं पूछूंगी और ये आंसर करेगा, और होपफुली वो आपको हेल्प करे अगर आपको कोई भी डाउट्स है जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, प्लस कौन से टूल्स यूज करने चाहिए. तो ये वीडियो जो है वो उसी के बारे में होगा. तो अब मैं जाती हूँ कैमरे के पीछे और दीपक से क्वेश्चन पूछती हूँ. तो दीपक, अब स्टेज जो है वो तुम्हारा है. और हाँ, व्लॉगिंग चैनल जरूर देख लेना हमारा. तो दीपक, पहला क्वेश्चन जो है वो किसी के फादर ने पूछा है, श्रीनिवास जी ने, कि माय सन इज अ मैकेनिकल इंजीनियर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन टूल इंजीनियरिंग. ही हैज नियरली 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज टूल डिजाइन इंजीनियर इन अ टियर 1 कंपनी इन बैंगलोर. ही वांट्स टू ट्राई फॉर जॉब सीकर वीजा फॉर जर्मनी. प्लीज शेयर द लिस्ट ऑफ कंपनीज वेयर ही कैन अप्लाई. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि जॉब सीकर वीजा एक ऐसा वीजा है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है. वो बेसिकली मैं जल्दी से बता देता हूँ. जॉब सीकर वीज़ा में आप इंडिया से यहाँ आ सकते हैं 6 महीने के लिए जॉब ढूंढने के लिए. अगर 6 महीने में आपको जॉब मिल गई तो आप यहाँ पर रह जाते हैं, वर्क परमिट मिल जाता है, नहीं तो वापस. तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए, ऐसी कोई स्पेसिफिक कंपनी की लिस्ट नहीं है, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी बड़ी है जर्मनी में. यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं, OEMs हैं, Tier 1s हैं, सप्लायर, सब सप्लायर, बहुत लोग हैं. तो मतलब उसके लिए आपको लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑफकोर्स जॉब सीकर वीज़ा पे आप आ रहे हो तो आपको पूरी तैयारी करके आना पड़ेगा. लैंग्वेज सीख कर आइए, आप प्लान करके आइए कि किस एरिया में आपकी ज़्यादातर जॉब्स हैं. पहले से ही जॉब लिस्ट बनाकर आइए आपकी, कहाँ कहाँ ओपनिंग्स हैं, कहाँ कहाँ आपको एप्लीकेशन भेजनी है. बल्कि मैं तो बोलता हूँ पहले से ही आप एप्लीकेशन भेजना शुरू कर दीजिए, और एक आध इंटरव्यू अगर प्लान करके आएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो लिस्ट की कोई ऐसी वो इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप जॉब पोर्टल्स पर जाइए. मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा 1-2 वेबसाइट्स, उन वेबसाइट्स पर देखिए आपकी जॉब्स स्पेसिफिक आपके डोमेन से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस कंपनी में हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी प्लान कीजिए आने का. ओके दीपक, तो सेकेंड क्वेश्चन है, ये साहिबदीप सिंह ने पूछा है कि थैंक यू फॉर अमेजिंग वीडियो. और ये बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी कर रहे हैं या पास आउट हो गए. But Deepak, can you also let us know that how and from where did you apply for jobs in Germany? I'm also from the same industry and currently working as a design engineer in a very good company. Okay. तो देखो, मैं अपने आप का जो पर्टिकुलर मेरा केस है, मैं उसको लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम मैकेनिकल डोमेन में ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है. मैंने जो जॉब अप्लाई की थी उसके लिए वेबसाइट्स हैं, तो हम वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. स्टेपस्टोन करके है, लिंक्डइन है, जिंग है, monster.com है, ये 4-5 वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हो. स्टेपस्टोन और लिंक्डइन, ये 2 मेजर वेबसाइट्स हैं यहाँ पर. तो और जो जैसा कि मेरा केस था वो ऐसा था कि मुझे लकीली पता चला था एक जगह ओपनिंग है मेरे एक दोस्त के थ्रू, और मैंने डायरेक्टली उनके HR को ईमेल भेज दिया था और वहाँ से मुझे कॉल आ गया था. तो मेरा केस एक थोड़ा डिफरेंट केस था, लेकिन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं डायरेक्टली जॉब अप्लाई करने का. चांसेस कम होते हैं, मैं मतलब सच्चाई बताऊँगा आपको, चांसेस काफ़ी कम होते हैं. सॉफ्टवेयर IT के कंपेरिजन में IT वालों को ईजिली जल्दी जॉब मिल जाती है इंडिया से यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, मिलती है. मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ. तो आप ट्राई करो और अपने स्किल्स बढ़ाओ, मतलब कि डिज़ाइन इंजीनियरिंग तो ऑफकोर्स है ही, यहाँ पर भी उनको मिल जाएंगे. आप लोग ऐसा समझते हैं कि यार यहाँ पर लोग इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, तो डिज़ाइन इंजीनियर से मतलब मैकेनिकल वाले इनको लोग नहीं मिलेंगे, इंडिया से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं. लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, जहाँ पर मतलब लोग कम सैलरी में वो लोग यहाँ पर आकर जॉब करने के लिए रेडी होते हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मतलब इंजीनियरिंग वाले बंदे होते हैं. इसलिए तो आप ये मत सोचो कि यार इनको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. इसलिए आप, मैं बोलूँगा, आप लैंग्वेज ज़रूर सीखो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, टूल्स सीखो, 1-2 और सर्टिफिकेशन करो आप, और फिर जॉब्स अप्लाई करो.
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक, बहुत ही स्पेसिफिक है। तो ये जो बंदे हैं, ये फाइव इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर बीटेक फ्रॉम टीयर टू कॉलेज इन एनसीआर, नाउ इन अमेरिका एमएनसी इन एफईए सीएफडी सिमुलेशन यूजिंग हाइपरमेश डायना एनएक्स टास एससीसीएम काथिया V5। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है, थॉट ऑफ मूविंग टू जर्मनी फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स अभी तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो फर्स्ट वन इज लैंग्वेज बैरियर, सेकंड वन इज हर जॉब प्रोस्पेक्टिव्स आर स्लिम फॉर नॉन ईयू, विल शॉर्ट टर्म कोर्स वर्क आउट और आई विल नीड टू परस्यू एमएस देयर। तो जो कि आपका पहला सवाल है कि लैंग्वेज, ऑफ कोर्स लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, पर तो समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अभी काफ़ी जगह मुझे भी इतनी अच्छी जर्मन लैंग्वेज नहीं आती कि मैं टेक्निकली उसमें काम कर पाऊँ, मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन कर पाता हूँ। और अभी तक मैंने जितने भी यहाँ पर जॉब्स किए हैं, कहीं पर जर्मन लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ऑफिस के अंदर, और काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर नहीं पड़ती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेज है ज़रूरत, वो आपके कहीं ना कहीं आपके जो जॉब सर्च को मतलब लिमिटेड कर देती है। अगर 10 जॉब जगह अगर मार्केट में है, उसमें से 2 ही ऐसी होंगी जो लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं देंगी। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा पहली चीज़। सेकंड, नॉन ईयू ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ नहीं है। पेपर्स में और इधर उधर बहुत सुनने को मिलता है कि नॉन ईयू ईयू को प्रेफरेंसेस, ऐसा कुछ नहीं जितना मुझे समझ में आया यहाँ रहकर कंपनीज में काम करके, लोगों से एचआर से सबसे बात करके, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको रिक्वायरमेंट है और आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है, दे विल डेफिनेटली कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। और अगर आप, ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज प्रेफर करती हैं कि उनको बंदा, आप मतलब जनरली कोई भी कंपनी हो वो ये प्रेफर करेगी वो जो बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसी सिटी में हो, उस सिटी में नहीं तो उस स्टेट में हो, उस स्टेट में नहीं तो उस कंट्री में हो, और तब जाके वो देखते हैं कि कोई बाहर से बंदा अगर नहीं मिल रहा है तब बाहर से वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो ये चीज़ है। और थर्ड जो आपका था कि शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर मास्टर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स मतलब मुझे समझ नहीं आया कि आपका सवाल एग्जैक्टली है क्या, कि आप यहाँ पर आके एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि अगर आप 5 साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं जॉब के लिए। अगर आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है तो आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ आकर मास्टर्स करके 2 साल टाइम स्पेंड करके ये सब करना चाहेंगे, उससे अच्छा तो अगर आपके पास पैसा है टाइम है तो आप यहाँ पर आओ डायरेक्ट, कुछ टाइम के लिए जॉब सीकर वीज़ा लो, डायरेक्ट जॉब अप्लाई करो यहाँ से, क्योंकि आपका 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मतलब कोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद तो आपके पास मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्योंकि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है प्लस आप मास्टर्स करोगे तो फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आपको कॉलेज के थ्रू भी इंटर्नशिप और आपके कॉलेज के कॉन्टैक्ट्स होते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ से रास्ते ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। तो अगर दोनों में से चूज़ करना हुआ तो मैं बोलूँगा मास्टर्स करो, वो ज़्यादा बेटर है। और सिर्फ जॉब ही एक गोल है तो डायरेक्ट जॉब के लिए आप ट्राई करो, कोर्स छोटा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक, जो मोस्टली आई थिंक लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए जिससे वो हाई पैकेज पर यहाँ पर आ सकें, अब्रॉड में कहीं पर भी जैसे जर्मनी जापान। तो इससे रिलेटेड लोगों ने सॉफ्टवेयर्स के नाम भी लिखे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो तुम बहुत स्पेसिफिक अगर बता सकते हो कौन से सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए। देखो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही जवाब दूंगा, जितना मुझे अभी तक मार्केट इंडस्ट्री में समझ में आया, 2 सबसे मेजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिज़ाइन में, ऑटोमोटिव डिज़ाइन में एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, एक है आपका ऑफ कोर्स कैटिया, दूसरा होता है यूनिग्राफिक्स। जितने भी बड़े OEMs हैं वो सब इन्हीं 2 सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। मर्सिडीज़ यूनिग्राफिक्स पे काम करती है, BMW और आपका फोर्ड, जगवार, टेस्ला सब कैटिया पर काम करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इन्हीं 2 सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से जो सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने भी कॉलेज के बाद ये सब चीज़ें सीखी थी, ये टूल्स, तो ये जो ये टूल्स सीखना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप कैटिया और यूनिग्राफिक्स दोनों सीख लो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अप्रोच सेम ही होती है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, कमांड्स अलग हैं, दिखने में अलग होते हैं, थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है। तो अगर आप एक ये 2 अच्छे से सीख जाओगे तो इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी डिमांड है, जैसे क्रियो हो गया, सॉलिड एज हो गया, सॉलिड वर्क हो गया, वो सब आपको वो कंपेरेटिवली कैटिया और यूनिग्राफिक्स के कंपेरिजन में काफ़ी ईजी होते हैं और वो आप जल्दी से सीख जाओगे, वो आप खुद से सीख जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पर वीडियो देख के सीख जाओगे। तो अगर आपको प्रोफेशनली सीखने हैं
तो कैटिया और यूनिग्राफिक सीखो, और सिर्फ एक ही अगर प्रायोरिटी में बोलना होगा मुझे तो मैं बोलूंगा कैटिया। और HVAC डिजाइनिंग क्या होता है इसके बारे में भी किसी ने पूछा है कि क्या क्या पूछा एग्जैक्टली? सर आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव अ स्ट्रांग कमांड ऑन HVAC डिजाइनिंग। हां HVAC, इज देयर अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी फॉर HVAC डिजाइन इंजीनियर्स? ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑटोमोटिव की तो मतलब रिक्वायरमेंट सभी जगह है, मतलब HVAC की रिक्वायरमेंट्स है काफ़ी कंपनीज में, मैंने जॉब्स देखी हैं और रिक्वायरमेंट्स भी हैं काफ़ी जगह। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर जब हम उनको बताऊं जिनको आइडिया नहीं है, या फिर जो लोग कॉलेज में हैं या जिनको अभी डिज़ाइन इंजीनियर एज अ करियर बनाना है, तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन इंजीनियर, एक्सटीरियर डिज़ाइन इंजीनियर, बॉडी क्लोजर्स, वायर हार्नेस, इंजन, बैटरी पैकेजिंग, ठीक है, सेल मॉड्यूल, या फिर HVAC, डिफरेंट तरह की टीम्स होती हैं। अगर हम कार की बात करें तो उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, तो सबके लिए स्पेसिफिक डिज़ाइन इंजीनियर्स होते हैं। तो ऑफकोर्स HVAC की रिक्वायरमेंट है, जरूर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जर्मनी कैसे एक दूसरे से लिंक करता है, सर थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब हाउ दे आर एक दूसरे से डिपेंडिंग। ये ना ये पति पत्नी की तरह है दोनों मतलब ऑब्वियसली मतलब जर्मनी की बात करो और जापान की बात करो, अगर मैं जर्मनी की सिर्फ बात करूँ तो ऑटोमोटिव इनका कल्चर बहुत पुराना है, हिस्ट्री इनकी बहुत पुरानी है, मतलब अगर आप नाम उठा के देख लो BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, Porsche, सब यहाँ की कंपनीज है, तो इनका बहुत पुरानी हिस्ट्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और इनकी इंजर बोलते हैं ना जर्मन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी इनकी क्वालिटी वाइज अमेजिंग। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफकोर्स यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है हिस्ट्री में, और काफ़ी लोग यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आते हैं बाहर से। अभी हम रिसेंटली हमारे एक इंडियन भाई से मिले थे, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने आया है, तो मैकेनिकल का रिक्वायरमेंट तो यहाँ है और रहेगा। एक और दीपक, आई थिंक ये बहुत ही लोगों को जिज्ञासा होती होगी कि तुम्हारी ग्रेड्स क्या थी इंजीनियरिंग के टाइम पर, और तुम्हारे कोई बैकलॉग लगे हैं या नहीं? अच्छा ये सब ना फालतू की चीज़ें होती हैं, मैं बताऊँ, इनमें ना इतना ध्यान गपाना नहीं चाहिए, उस टाइम पर बहुत बड़ी चीज़ें लगती हैं। हाँ पर मतलब मैं जवाब देने के लिए आपके सवाल का, मेरा बैकलॉग कभी नहीं लगा कॉलेज में, कभी कोई बैकलॉग नहीं था मेरा, पर मेरा कोई बड़ा भारी तगड़ा परसेंटेज भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई टॉपर वॉपर परसेंटेज है या बिल्कुल ही बेकार है, एवरेज स्टूडेंट था मैं, बीच में, जो जैसे ज़्यादातर लोग रहते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों के बैकलॉग थे भी मेरे साथ में, वो भी सब अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। ऑफकोर्स मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बाढ़ में ज़्यादा लग रहे हैं बैकलॉग लगने, तो वो नहीं, पर एक टाइम के बाद ना चीज़ें सब मैटर नहीं करती, आपका लर्निंग्स, आपका काम करने का तरीका, आप कितने डेडिकेटेड हो, कितनी आपकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं टाइम के साथ, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हाँ मतलब ये रियलिटी है। एक और बात, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दीपक सैलरी से रिलेटेड, एवरेज सैलरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या होती है एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा वीडियो होगा और एक खुद का एक मतलब। हाँ सैलरी से रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ एक डिफरेंट एक अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि ना ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका फटाक से एक सीधा जवाब हो इसके लिए, मतलब इंडिया में सैलरी कितनी होती है, इंडिया के बाहर सैलरी कितनी होती है, एक्सपीरियंस कितना है उसके हिसाब से सैलरी डिपेंड करती है हर बंदे, दूसरा आप किस एरिया में हो, किस कंट्री के, उस पर डिपेंड करती है, किस कंपनी में हो आप उस पर डिपेंड करती है सैलरी। कई लोग हैं जो सेम प्रोफाइल पे, सेम एक्सपीरियंस पे, लेकिन अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी में अंतर भी काफ़ी डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जितना मुझे पता है मार्केट में क्या चल रहा है यहाँ पर और इंडिया में उसके हिसाब से। तो आप लोग कमेंट करना कि आपको देखना है वो वीडियो या नहीं, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो दीपक जल्दी हम लोग जल्दी बनाएंगे पक्का। एक दीपक ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है इसमें, तो एक कमेंट पढ़ देती हूँ मैं। दीपक भाई, यू आर सच अ हार्ड वर्कर एंड पैशनेटेड, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, आई टू फ्रॉम अ डिजाइन बैकग्राउंड, लकीली आई एम इन टू सेम डोमेन, क्या आप अपनी सैलरी डिस्क्लोज कर सकते हैं? और ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपको वीडियो आपने बनाया बहुत अच्छा लगा, हमें मोटिवेशन हुआ बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको अपनी सैलरी तो बतानी चाहिए थी। अच्छा तो इसका जवाब है भाई कौन बताता है यार सैलरी, कैसे सवाल पूछते हो यार, मतलब सोचो यार, इज्जत रिश्तेदार को सैलरी नहीं बताता लोग, तो यार ये तो थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाएगा सैलरी वैलरी से रिलेटेड।
तो मेरी सैलरी छोड़ो, मैं आपको एवरेज सैलरी, जैसे मैंने इससे पहले बोला कि एवरेज सैलरी बताऊंगा, क्योंकि ना यार हर बंदे की अलग सैलरी होती है, अलग चीज़ें होती हैं, डिपेंड करता कौन कहाँ पर है, किस चीज़ में है, तो वो अलग चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगा। मेरी सैलरी छोड़ दो, क्या करना, मैं तो इतनी में भी काम किया है और इतनी में भी कर लेंगे। एक और क्वेश्चन दीपक, स्पेसिफिक टू स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को इस डिजाइन इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है तो हाउ दे कैन स्टार्ट इट? ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, और बहुत अच्छा है अगर आप अभी से इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे, आपके कॉलेज के थर्ड ईयर से और सेकेंड ईयर से या फाइनल ईयर से भी, कि कैसे किया जाए। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला था, 100% आप सॉफ्ट टूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, एज ए डिज़ाइन इंजीनियर काम करना है, कैटिया यूनिग्राफिक्स सीखिए, दोनों सीखिए, नहीं तो एक तो सीखिए, फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन होता है। मैं ओवरऑल ब्रॉड लैंग्वेज में बोलूँ, बाद में आगे चल के अगर आपको और इंटरेस्ट होगा तो मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। प्लास्टिक शीट मेटल, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी डिज़ाइन गाइडलाइंस होती हैं, गूगल पर भरी पड़ी हैं, वो पढ़ना शुरू करो और पार्ट्स को लेके डिज़ाइन करना शुरू करो छोटे छोटे, तो आपको एक डिज़ाइन इंजीनियर का आइडिया लगेगा कि कैसी जॉब कैसी होती है, क्या काम होता है उनका। उन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू करो, तब आपको समझ में आएगा कैसे इन चीज़ों में और एंटर करना है। और फिर उसके बाद जब आप फाइनल ईयर ख़त्म कर लोगे आपकी, जब आप डायरेक्टली जॉब्स अप्लाई करोगे, naukri.com पर जाओ, सर्च करो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर या फिर कॉमा कैटिया V5 कॉमा यूनिग्राफिक्स कॉमा क्रियो, जो भी टूल सीखा है, सर्च मारो, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, उनमें आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी दिखी हुई, वो जो रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं कि कैटिया इतना एक्सपीरियंस, शीट मेटल में इतना एक्सपीरियंस, प्लास्टिक्स में इतना एक्सपीरियंस, वो सब चीज़ें पढ़ो लिखो और उनके बारे में और रिसर्च करो, उनको पढ़ो कि मार्क जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करो और फिर उन्हीं जॉब्स के लिए जाके अप्लाई करो, तो आपको 100% आपको जॉब मिल जाएगी ईजिली। ऐसे आप डोमेन में इस फील्ड में एंटर कर जाओगे, और एक बार आप एंटर करोगे तो फिर आपको चीज़ें समझ आती चली जाएंगी आगे के लिए। और एक और चीज़, आगे जब टाइम मिलेगा, ये लंबा वीडियो हो गया, मैं काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में या डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर रहे हैं, अगर उनको इस चीज़ में एंटर करना है तो क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी मैं अगले वीडियो में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दीपक थैंक यू यार, बहुत सारे हमने कवर कर लिए स्टूडेंट से रिलेटेड जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बाकी जो इस फील्ड में जाने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इन केस हम लोगों को इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं विद इन 7 to 8 days, और अगर आप कमेंट करते हो स्पेसिफिक क्वेश्चन तो किसी एक पर्सन से हम बात करेंगे। देखो सबके साथ पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम भी फुल टाइम जॉब में हैं, दीपक भी फुल टाइम जॉब में है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन करना है तो हम किसी एक बंदे से बात करेंगे, तो यू कैन बी दैट लक्की वन। तो होपफुली दीपक कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और आपको हेल्प मिल सके, बस हमारा वही मोटिव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यू नेवर नो कि आप ही वो लकी वन होगे। और एग्जैक्टली मतलब मेरा हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि यार जितना कुछ सीखा है ना, एक्सपीरियंस किया है, वो आपको शेयर कर सकूँ, क्योंकि कई लोगों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ जो साथ के हैं या जो पहचान के हैं, और बेटर है कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के उस ज़्यादातर लोगों को सब मतलब बताने की कोशिश करूं कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ गाइडेंस एज ए सीनियर या एज ए भाई। तो अच्छा है, आप करते चलो, कुछ डाउट्स हो तो लिखना, कमेंट करना, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो बताना, और अगर आगे चल के और टाइम मिला तो फिर कोशिश करेंगे बातचीत करने की डायरेक्टली। और बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं अदर देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अदर देन आवर प्रोफेशन, हम जो डे टू डे लाइफ में जो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिलेगा कि हमारा मतलब काइंड ऑफ अ जॉब क्या है, हम मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, क्या जाना होता है, कैसी है हमारी एकदम नॉर्मल जैसे आपकी है वैसी है, तो वो सब पता चलेगा, तो वो जरूर देखना। और थैंक यू अगेन दीपक यार, तुमने बहुत सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंडियन गर्ल इन यूरोप में। बाय बाय।